warm welcome to TV Ka Pataka, your one-stop destination for all entertainment news, those from Star Plus Super Hit Serial. गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी अपडेट लेकर हाजिर है हम आप सभी के सामने। कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक होने वाले हैं सवी और ईशान। जी हाँ दोस्तों, सवी के हाथों पे आने वाला है ईशान का हाथ। दोनों की जिंदगियाँ होने वाली है एक। अपनी जिंदगी के इतने बड़े मोड़ को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, कैसे निभा पाएंगे एक दूसरे का साथ, चलिए आपको बताते हैं आने वाले प्रोमो में क्या कुछ दिखाया गया है और किस तरीके से रिश्तों के मायने बदलेंगे और किस तरीके से बनेगी सवी भोसले खानदान की इकलौती बहू। वेल, आपको बता दें कि यहाँ पे आजूबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सवी के आजूबा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और उन्हें यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा रहा है। हॉस्पिटल में सभी ने अपने आजूबा को एडमिट करवा तो दिया, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है। आखिर वो करे तो क्या करे, पैसे ना होने की वजह से वो एक जगह पर परेशान बैठी होगी। ऐसे में ईशान उसे देखेगा और पूछेगा, तो ईशान के गले लगकर फूट फूट कर सभी रोने लगेगी। ऐसे में ईशान बहुत ज्यादा सभी के लिए परेशान होगा। तब सभी बताएगी कि उसके आजूबा हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं है कि वो अपने आजूबा का इलाज करा सके। ईशान उसके हॉस्पिटल्स के बिल चुकाने में मदद करेगा और कहेगा कि अपनी डायरी में इस हिसाब को भी नोट कर लो, जब IAS बनोगी तो मुझे ये पैसे भी लौटा देना। वेल, ऐसे में यहाँ पर सभी उनका एहसान मंद तो होती ही है, लेकिन ईशान जब आजूबा को देखने के लिए हॉस्पिटल में रूम में जाता है सभी के साथ, तो यहाँ पर आजूबा ईशान का हाथ सभी के हाथ में रख कर कहते हैं कि मेरी चकुड़ी का ख्याल रखना, हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बना लो। मेरी चकुड़ी का इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हारे जितनी उसकी परवाह करे, तुम दोनों एक हो जाओ, इसका ख्याल रखना। और ये कहते 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 ये दुनिया अलविदा कह देते हैं आजूबा। और ऐसे में दोनों के सामने धर्म संकट आ जाता है कि आखिर वो क्या करें। लेकिन ईशान कहता है कि मैं ये जिम्मेदारी लूंगा, मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊंगा, तुम्हारे लिए वही करूंगा जो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी आई के लिए किया था। वेल, ऐसे में इनका रिश्ता तो जुड़ जाएगा, लेकिन क्या भोसले खानदान इन्हें अपनाएगा और क्या इनके बीच में प्यार की शुरुआत होगी? आपको क्या लगता है कमेंट में हमें अपने व्यूज जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।